नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज फिर निकालते हैं बीन्स। ये देखिए लॉन्ग बीन्स, पहले आप देखिए इनका साइज, देखिए कितनी लंबी लंबी हो रही है। और ये एक ही बेल है, तो ये देखिए ये मेरी स्टोकरी में तो आएंगी भी नहीं और ये बड़ी आसानी से लग जाती है। तो लॉन्ग बीन्स है ना, ये बड़ी आसानी से लग जाती है। ये अभी और लंबी हो जाती पर मैं करूंगी नहीं इनको, क्योंकि मुझे आज इनकी सब्जी बनानी है। आपके हाथ के पीछे देखिए, ये तो मैं दोस्तों हर साल लगाती हूँ और हर साल ये मेरे बड़ी आसानी से होती है और इसकी बेल थोड़ी लंबी जाती है। ये देखिए मैंने इसको ना ऊपर तक बांस पे सहारा दिया हुआ है और बात उतनी है जितनी फ्रेंच बीन्स है ना, वही रेशियो इसका निकलेगा। आप ये देखिए कि इनको अगर हम तीन हिस्से कर लेंगे तो फ्रेंच बीन्स जितनी इनकी वो हो जाएगी। ये इसमें आएंगी भी नहीं, इनको ऐसे रख लेती हूँ। ये बड़ी आसानी से आप मिट्टी थोड़ी सी बना करके स्ट्रॉन्ग, जिसमें खाद वगैरह डाल के और वर्मी कंपोस्ट डाल लो, खाद डाल लो, केचुए वाली डाल लो या फिर आपके पास जैसे गोबर वाली है वो डाल लो और इसको लगा दो और कुछ नहीं है, एक इसको सहारा। तो चलो बैंगन निकालते हैं। ये देखिए गुच्छे में लगे हुए हैं किसी किसी पेड़ पे, तो ताजा ताजा। हमेशा अगर देखो आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक है ना, तो थोड़ा सा आपको किचन गार्डनिंग का भी होना चाहिए। ठीक है, लगाओ सजावटी पेड़ पौधे, कोई बुराई नहीं है, अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर साथ में थोड़ी सी किचन गार्डनिंग कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारे को घर की फ्रेश सब्जियां भी मिलेंगी खाने को। और अब देखो मेरे पास तीन सब्जियां निकली आई छत पे, इस टाइम चार सब्जी है। और कौन सी नस्ल का पेड़ है मुझे नहीं पता, ये इसकी प्योद लेके आई थी नर्सरी। ये देखिए गुच्छे में कितनी मतलब खुशी होती है जब, जैसे अंगूर के गुच्छे की तरह। आपको दिखाते हैं, ये देखो गुच्छे के अंदर इसमें से बैंगन लग रहे हैं। अब जैसे मतलब आपको ना ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि आपको बाहर से सब्जी नहीं लानी पड़ेगी, बाहर से तो सब्जी आपको लानी पड़ेगी, लेकिन ये ठीक सेकेंड टाइम हार्वेस्टिंग, बैंगन की सेकेंड टाइम हो रही है। और साथ में अब हम थोड़ी सी हरी मिर्ची भी तोड़ देते हैं। अच्छा एक और रह गया, ये रहा, ये तो अच्छा खासा साइज इसका। ये देखिए तो पाव से ऊपर बैंगन हो गए होंगे, मतलब ये तो तोल के तकड़ी से ही पता लगेगा कितने हुए हैं, पर हाँ हो गए हैं। ये देखिए साथ में घर की हरी मिर्ची हो गई सलाद के लिए। ये खीरा, देसी खीरा जिसे बोलते हैं वो है। तो ये हमारी हार्वेस्टिंग हुई है। ये देखो अब कब, हाँ ये देखिए ये करेले भी लगने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे गिरे करेले। दोस्तों आज की हमारी ये हार्वेस्ट थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।